लेकिन एके मिश्रा जी, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, क्या संकेत देता है? लगभग 54% के आसपास अब तक मतदान हुआ है, ये क्या कोई संकेत है इन आंकड़ों में? आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, संकेत बिल्कुल है। देखिए, इसमें सवाल ये है कि वोट परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो, सरकार तो बनेगी ही किसी की, कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा, या हंग टाइप का होगा तो फिर बाद में समर्थन लेना देना। तो वोट कम या ज्यादा होने से ये मतलब नहीं होता है कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी। अब सवाल ये है कि किसके लिए फायदा हुआ, किसके लिए नुकसान हुआ। मैं बहुत सारे चीजों पे सहमत हो सकता हूँ कि इसके पहले जो है वोट के परसेंट बहुत ज्यादा थे, तो उसके पीछे कारण ये था कि विपक्ष की पार्टियों ने बहुत बड़ी मेहनत की थी। अखिलेश यादव जी का लखनऊ में रैली देखिए और ये सब चीजें, उन्होंने बहुत क्राउड इकट्ठा किया था। लेकिन अब की बार वोट परसेंट इसलिए कम हुआ है, ये भी बोला जा सकता है कि भाई विपक्ष के जो मतदाता हैं, जो अखिलेश यादव, सपा, बसपा, कांग्रेस के हैं, उन्होंने देख लिया, 2014 में निकल के देखा उन्होंने, वो हार गए 2017 में, 2019 में, तीन तीन बार काट की हाड़ी को चढ़ा के देख लिया। तो ये भी तो हो सकता है कि जो विपक्ष के मतदाता हैं, सपा, कांग्रेस, बसपा के, उनका विश्वास उनकी पार्टी से उठ गया कि भाई ये तो हर बार लड़ते रहेंगे और जीतना तो है नहीं, तो इनको वोट देने से क्या फायदा। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अब कम हो या ज्यादा हो, अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो अब की बार भी जो है बीजेपी को फायदा होगा। एक तर्क ये है कि जी बीजेपी ने इकट्ठा किया था, नए लोगों को निकाला था। मैं बोलता हूं उन नए लोगों को माइनस कर दीजिए, ये नए लोग वही होते हैं जो उदासीन होते हैं और कोई नया मुद्दा या पॉजिटिव चीज आने पर रैली को रेला में बदल देते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तो उदासीन कौन होता है वोटिंग के टाइम पे? उदासीन वही होता है जिसको लगता है यार वोट देने से क्या फायदा, ये तो जीतने वाले है नहीं, तो काट की हाड़ी कितनी बार चलाएंगे। तो मुझे ये लगता है बीएसपी, देखिए कोई एग्रेशन नहीं है, बीएसपी एकदम शांत बैठी है। कांग्रेस की प्रियंका दीदी आई, वो उनका मुद्दा केवल फीमेल तक जो है लिमिटेड रह गया, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण तक लिमिटेड हो गया, ओवरऑल वोटर को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। देखिए, अगर विपक्ष अच्छे तरह से नहीं लड़ेगा तो वोटर का परसेंटेज कम हो जाता है वोटिंग का। तो ये एक संकेत ये भी है कि विपक्ष ने जो कैंपेन किया उस पर लोगों का भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो उनके वोटर निकल ही नहीं रहे यार, बार बार निकलते हैं, दिन भर लाइन में लगते हैं। जो विपक्ष के वोटर हैं वो बाहर नहीं निकले, ये जो वोटर निकले वो सारे बीजेपी के थे। नहीं, तर्क ये बोल रहा है, मेरा अपना परसेप्शन है, मैंने पहले बोला बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए, आदमी कितनी बार कोशिश करता है, जो विपक्ष के वोटर है पिछले 8 साल से कोशिश कर रहे हैं ये जीत जाए, जीत ही नहीं रहे हैं। तो उनका विश्वास विपक्ष के नेताओं से हट गया, उसके पीछे लॉजिक है। प्रियंका गांधी ने केवल फीमेल को टच किया, मेल को टच किया ही नहीं, और कोई मुद्दा टच किया ही नहीं। अच्छा, बहन जी जो एक बहुत सशक्त माध्यम होती है वोटिंग पोलिंग को आगे बढ़ाने में, वो एकदम शांत रही। तो जो उनका वोट बैंक है तो वो ये सोचता है कि जब हमारी नेता नहीं निकल रही है तो हम क्यों निकले। तो ये सब फैक्टर है, वोटर आखिर गए तो कहां गए और कौन से वोटर गए? जो एक्टिव है उनके वोटर है, उनके वोटर पहले भी थे, उनके वोटर आज भी है, जो सो गए उनके वोटर भी सो गए। तो अब आप बताइए कौन सो गया चुनाव में? यानी आप ये कह रहे प्रमुख जी से पूछिए, मैं तो इनको क्रिटिसाइज करता हूं बीजेपी को। अच्छा, करते हैं आप? अरे आप इनसे पूछिए ना, वोटर सो गए तो कौन से वोटर सोए? नहीं, वो तो ये बताएंगे कौन से सोए और क्यों सोए। वो तो पन्ना प्रमुख बना के चुनाव लड़ते हैं, आप उनको कह रहे हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं आप उनको, वो तो पन्ना प्रमुख बना के। अरे तो किसने मना किया था कि बीएसपी या सपा को की लाइन प्रमुख बना दीजिए? एक पन्ने में 10 लाइन होती है, इनसे 2 कदम आगे रहिए, लाइन प्रमुख बना दीजिए आप। तो क्यों नहीं बनाया आपने लाइन प्रमुख? अच्छा, ये ग्रामीण इलाकों में कम वोटिंग का क्या संकेत है, आपको क्या लगता है? बहुत बहुत बड़ा संकेत है। ग्रामीण जो वोट बैंक होता है वो परसेप्शन रिलेशन बेस पे चलता है, ठीक है, मतलब आइडियोलॉजी पे चलता है कि हम बीएसपी के वोटर हैं तो जी हम बीएसपी के ही रहेंगे, वहां खानदानी और वर्षों बरस तक रहते हैं। अगर वहां पे भी वोटिंग कम हुआ तो वही हुआ जो हार्ड कोर कैडर बेस वोटर होते हैं सपा के, बसपा के, चूंकि ये लोग एकदम सुस्त रहे, सपा बसपा वालों का, इनके वोट बैंक वाले परेशान हो गए हैं कि भाई कितनी भी मेहनत कर लो ये जीतने वाले नहीं है, एक महीने पहले ये निकलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन्हीं का वोट बैंक सोया है
जिसके कारण ये 2-5% की गिरावट दिख रही है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दलित वोटर जो बाहर निकलकर मायावती के लिए वोट करता था वो नहीं निकला, निषाद राज आप मुझे ये बताइए, मायावती जी की कोई कोई एक रैली नहीं हुई जो लखनऊ में पूरे पार्क को, अंबेडकर पार्क को भर दे। मायावती की रैली की शुरुआत होती थी अंबेडकर पार्क भरो, तो अंबेडकर पार्क में जितने वोटर आते हैं वो तो सुस्त है, वो सो है। प्रमुख जी, मतलब ये जितनी बात मैं समझ पाया ए के मिश्रा जी की, कि हाथी की सूंड में कमल का फूल, इसका फायदा आप ही को मिलेगा। नहीं नहीं, नहीं, इसमें एक 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 चीज आपने जोड़ा नहीं, सर्कस में हाथी साइकिल पे बैठ के कमल का फूल लेके पूरे उत्तर प्रदेश का चक्कर लगा रहा है, ये जो चुनावी सर्कस चल रहा है उसमें ये रेशियो है कि साइकिल पे हाथी बैठा, साइकिल बेचारी दबती चली गई और उसके सूंड में कमल का फूल आ गया। अब किसके ऊपर वो जाके कमल का फूल फेंकेगा ये देखना है, किसके गले में माला डालेगा। प्रमुख साहब ये कह रहे हैं ये शुभ संकेत है आपके लिए, अगर मायावती का साइलेंट होना मतलब बीजेपी को फायदा। तिलक सर, मैं मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि सनातनी के सही और अच्छे रक्षक हैं और ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होकर अपने कर्म को सबसे पहले करते हैं, चाहे किसी डीवी डिबेट में बैठे हों, बेशक चाहे भारतीय जनता पार्टी को भी कभी कभार कायदा दिखाते हैं, लेकिन जब सनातन की बात आती है तो खुलकर बोलते हैं। तो ये जो बात कही है हाथी के कमल के फूल की, ये आध्यात्मिक रूप से भी बहुत मायने रखती है। लेकिन हाथी के दांत गजानन जो है गणेश जी की सवारी है, ज्यादा किस्मत होइए आप, और कमल का जो फूल है उनके जब वो रखकर हाथ में और उनका आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा तो साइकिल तो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा, बचेगी कहां, मतलब अपने से ज्यादा मायावती से उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद किसी से यू नहीं है। देखिए तिलक जी, उम्मीद किसी से यह नहीं है कि 300 प्लस का नारा दिया है, 300 प्लस सीट जीतेंगे, 10 तारीख के बाद फिर आपके साथ बैठेंगे। नारे तो पश्चिम बंगाल में भी दिए आपने, बैठेंगे उत्तराखंड में भी दिए, मिश्रा जी भी होंगे और हम भी होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं देख रहा था कुशीनगर की बात करूं, कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य, अंबेडकर नगर जिले की बात करूं तो मायावती का प्रभाव, वो भी तब जब आप लोगों की सुनामी हुआ करती थी, 5 सीटों में से 3 सीटें तब भी बीएसपी ने जीती। ग्रामीण इलाकों में 20-25% दलित वोटर, जिनका जिक्र मैं लगातार ये कह रहा हूं, भले ही मिश्रा जी कह रहे हैं, लेकिन दूसरे और छठे चरण में संकेत है कि त्रिकोणीय मुकाबले हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर राम अचल, राजभर लालजी वर्मा, निषाद, ये तमाम फैक्टर देखे गए पूर्वांचल में, क्या इसको भी नजरअंदाज कर देंगे आप, जो आपके लिए 2017 में वोट मांग रहे थे वो आज आपके खिलाफ खड़े? देखिए बहुत अच्छा नाम लिया, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि पूर्वांचल का जो पहचान था उसका उनका नाम नहीं लेते आप। पूर्वांचल जो है क्राइम से त्रस्त, से गुंडागर्दी से, लूटपाट से जिससे त्रस्त था, उसको सिंगल एक व्यक्ति ने मिटाया और वो है इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उनका इतना दम है कि पूरा अंचल उनको, डबल इंजन की जो सरकार के मुखिया हैं उनके नाम पर पहले से भी ज्यादा शानदार जीत देने जा रहा है। तिलक जी, मैं भी आपके साथ होऊंगा और एक पैनल और भी अच्छा आपके साथ होगा, और भी लोग होंगे, आप देखना। राजभर की बात करो, आप निषाद की बात करो, ये लोग वो हैं जो मौका प्रश्न है, वो बसपा के साथ जा सकते हैं, वो सपा के साथ जा सकते हैं। अच्छा, आपके साथ जो तो सब गंदा मिले, ओबीसी को एससी एसटी को बेच सकते हैं, उनको लोग समझ चुके हैं, वो एक एक सीट के लोग थे और एक एक सीट पर वो बड़े सर थे, सब वो भाजपा की वोट में खुद को स्थापित कर चुके थे। अभी अभी मैं वोट पे पीछे, आप ये कह रहे हैं जीरो पर है, जीरो ग्राउंड पर। अच्छा, आपके साथ थे होकर जीरो पर खड़े हैं, आपके साथ थे तो वोट कन्वर्ट कर देते थे आप, कुछ नहीं है पूर्वांचल में उनके लिए। पूर्वांचल ऐसा इस देश का हिस्सा है, इस प्रदेश का, कि सारे डिसीजन तत्परता के साथ और सोच समझ कर लेता है। ए के मिश्रा, यानी ठीक है आपके साथ थे तो आपके लिए वोट कन्वर्ट कर लेते थे, इकट्ठे कर लेते थे वोट, लेकिन आपके साथ नहीं है तो आप
आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो चलेगा ही नहीं, दावी नहीं चलेगा, ना मौर्य चलेंगे, ना निषाद चलेंगे, ना राजभर चलेंगे, ये कोई नहीं चलेगा। ओके, लेकिन मुझे अब ए के मिश्रा एक बात समझाइएगा आप, मैं वोट किस तरह किस तरफ पढ़ते हैं उसका जिक्र करने जा रहा हूं आपसे, और उसको जरा मुझे समझाइएगा। 2002 54%, 2004 58%, 2007 46%, 2009 48%, 2012 करीब 60%, 2014 इस पर मैं ज्यादा जोर दूंगा, तब सुनामी का जिक्र किया था, तब 58% के आसपास वोट पड़े थे, 2017 61%, 2019 करीब 59%। ये कोई संकेत है कि नहीं है, जहां वोट प्रतिशत जब सुनामी का जिक्र किया जाता है तब भी 58% के आसपास वोट पड़े आपको, और 2017 में 61% और 2019 में 59% के आसपास। नहीं देखिए चावला जी, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह है, 1,00,000 लोगों ने फार्म भरा, उसमें से 80,000 लोगों का फार्म सेलेक्ट हुआ, 60,000 लोग परीक्षार्थी पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टॉप नहीं करेगा, टॉपर्स तो होंगे ही, उसमें से सक्सेस होने वाले भी होंगे और फेल होने वाले भी होंगे। मेरे कहने का मतलब निम्नतम स्तर जब आपने बताया 48%, तब भी किसी न किसी की सरकार बनी होगी। वोट कम और ज्यादा होने का मतलब सिर्फ ये है कि पब्लिक का उत्साह कितना है। अब इसके दो फैक्टर है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये होता है कि विपक्ष के जितने वोटर हैं, वोट बैंक है, जैसे मायावती जी का पार्टी सोई है तो वोटर भी सोए हैं, ये जानते हुए हमारे नेता ही एक्टिव नहीं है, या हमने पहले भी बड़ी कोशिश की, ये तो जीतते हैं नहीं तो क्या वोट दिया जाए, इसके कारण कमी हो जाती है। दूसरी कमी एक और कारण के होती है, स्पेशली बीजेपी की वो कमी है, मैं वो बताऊंगा। बीजेपी का जो हार्डकोर या जो नए शिफ्ट हुए थे बीजेपी में, उनको ये लगता है यार कि जीतना तो है ही बीजेपी को, हम नहीं जाएंगे वो तब भी जीतेंगे, ठीक है परसेंटेज कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो भी नहीं निकलते हैं वहां पे। तो ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जिसके कारण वोट का परसेंट कम हो जाता है। अब इसमें जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसने ज्यादा मेहनत की है, जिसने लगातार मेहनत की है, परसेंटेज भले कम ज्यादा हो जाए, मेरिट भले कम ज्यादा पे हो जाए, लेकिन जिसने सतत मेहनत की है, लगातार मेहनत की है, क्योंकि उसके वोटर हमेशा एक्टिव रहे हैं, उसके कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहे हैं, तो जैसे वो 5 साल एक्टिव रहे, वो 1 महीने और एक्टिव रह लेंगे, जाके बूथ पे अपना वोटिंग कर देंगे। जो 5 साल से सोया हुआ है वो 1 महीने में बोलेगा यार क्या उठूं मैं, क्यों अपनी नौकरी छोड़ के जाऊं देने के लिए। तो ये एक फैक्टर है, दोनों तरफ से परसेंटेज में कमी आई है। सवाल ये है कि वोट कम होने का मतलब ये है कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पे लॉजिकल डिबेट की जाए। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम भी होती तब भी बीजेपी को फायदा होगा। भाई आप मुझे ये बताइए, 19% का सीधा सीधा वोट बैंक मायावती जी का होता है, लगभग 18-19% 15 से 19 17% का, हाँ, और 17% के आसपास, 16-17% के आसपास समाजवादी का होता था। आप उठा के देखिए, यही रेशियो जो हमने आपने बताया यही निकलता है। अब मायावती जैसी बिग प्लेयर, आप ही के सवाल को आगे ले जा रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में माना जाता है कि लगभग 30% वोट जिसके पास पड़ गया वो समझिए कि सत्ता के सिंहासन पर पहुंच गया। तो यहाँ आपको ये लग रहा है कि जीतने वाले जाते, यहाँ 30% का वोट बैंक है वो बीजेपी के पक्ष में है, आपको ये दिखाई दे रहा है, उसके चांसेस ज्यादा इसलिए है। देखिए फैक्ट बताऊं, सबसे बड़ा हार्डकोर वोट बैंक मायावती जी का होता था, तो 19 की जगह वो 15 पहुंच जाए, 10% पहुंच जाए, इनएक्टिव है। कांग्रेस का भी अगर हम 5-6% मान ले, मेरे ख्याल से एवरेज इतना ही रहा होगा चुनाव में, तो उन्होंने जब आधे ही वोट बैंक को कवर किया, केवल फीमेल को, उनका चुनाव प्रचार ना हो के नारी सशक्तिकरण का सामाजिक काम ज्यादा मुझे लगा, तो बहुत कन्विंस नहीं था, ठीक है, तो वहां पे भी कम होगा। सपा के चुनाव में जो भीड़ आ रही है वो सारी किराए की है आपके मतलब? नहीं नहीं किराए की नहीं है, चुनाव में भीड़ कैसे आता है मैं बताता हूं। मान लीजिए कि प्रयागराज के 30 किलोमीटर दूर कोई रैली हो रही है एक छोटे से तहसील में, वाराणसी, तो क्या केवल तहसील के लोग आते हैं? वाराणसी की नहीं, हम अभी एक छोटे तहसील की बात करेंगे, चलिए ठीक है, वाराणसी नहीं, प्रयागराज मान लीजिए। नहीं नहीं
नहीं वाराणसी इसलिए नहीं मानेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर वाराणसी उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है मैं बताऊंगा। तो केवल उस तहसील के लोग नहीं आएंगे, उस तहसील के वोटर और कार्यकर्ता भी आएंगे, कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो होंगे तो भाजपा के या बीएसपी के, लेकिन अखिलेश भैया की बातें सुनने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए जरूर आएंगे। क्या बोलते तो हैं वो इंटरटेनमेंट तो बीजेपी की रैली में ही मिलता है ना? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, कैसे भीड़ का जो परसेंटेज है मैं आपको बता रहा हूँ पाई चार्ट। अच्छा, मतलब जो बगल के जिले भी आएंगे, यानी आप तो ये कह रहे हैं जो भीड़ बीजेपी के रैली में इकट्ठी होगी वो वोटर है, जो समाजवादी पार्टी की रैली में इकट्ठी होगी वो वोटर नहीं है सपा का? ज्यादातर चांसेस इस चीज के होते हैं। देखिए एक फर्क देखिए, बीजेपी में जो भीड़ इकट्ठी होती है ना वो स्वतः स्फूर्त होती है, स्वतः स्फूर्त मतलब एक ग्लैमर है, अरे यार मोदी जी आ रहे हैं चलो सुनते हैं, जैसे कभी इंदिरा गांधी को, अटल जी को या किसी और बड़े नेता को लोग सुनते थे, अरे यार योगी जी आ रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूं वो योगी या मोदी को वोट नहीं देंगे, लेकिन एक करिश्मा तो है ही उनका लीडरशिप में, तो वो गंभीर होकर सुनने के लिए आते हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग भी। विपक्ष के लोग इसलिए आते हैं कि भाई क्या गंभीर बातें इन्होंने की, क्या मुद्दा इन्होंने किया है, ताकि वो आकलन कर सके कि उनको कहां पे डेंट लग रहा है, कहां पे पेंट लग रहा है। तो ये सभी के साथ होता है, जरूरी नहीं है कि किसी रैली में जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सारे हार्डकोर वहां के पोलिंग बूथ में लिस्टेड वोटर हो, वो अगल बगल के बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत पर्पज के लिए आते हैं। रैली में भीड़ दिखना एक मानक हो सकता है, मानक 100% मानक नहीं हो सकता। मैं आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं, फिर प्रमुख साहब आपके पास आऊंगा। यानी जो जो 2017-2019 में वोटर, जो साइलेंट वोटर जिसे आज कहा जा रहा है, वही साइलेंट वोटर 2017 और 2019 में जब चिल्ला रहा था कि हम किसको वोट कर रहे हैं और आज शांत है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो पक्ष में बीजेपी के। तिलक जी चिल्लाने की बारी अब की बार जो है उनकी है, जो एक साल से बैठकर सड़कों पर चिल्ला रहे थे और तरह तरह से किसान भाइयों के नाम पर या दंगे फिसाद के नाम पर या 80-20 का नाम लेकर या हिंदू मुस्लिम की बात लेकर काम कर रहे थे। हमारे तो साइलेंट वोटर सीधे कह रहे हैं, मैंने पहले क्लियर किया था, अगर आपका किसी साइलेंट वोटर साइलेंट नहीं होता प्रमुख साहब, आपका साइलेंट वोटर कभी साइलेंट नहीं होता। मैं बता रहा हूं आपको, साइलेंट नहीं है, बात करने का तरीका अलग है। अच्छा, जब किसी न्यूज चैनल के आपके ग्राउंड रिपोर्टर ने जाकर वहां ग्राउंड पर बात की तो साफ कहा कि सुशासन को, विकास को, और कोविड काल में जिसने हम लोगों की मदद की उनको वोट किया। ये नहीं किया कि बीजेपी को वोट किया, ये नहीं किया कि सपा के खिलाफ किया, ये नहीं किया कि सरकार को हटाने के लिए वोट किया। तो इससे बड़ा समर्थन क्या देखना चाहते हैं? और एक हमारी पार्टी जो उसका कल्चर भी है कि हमारे लोग जो है कम आवाज करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, और राष्ट्र के खिलाफ या बदतमीजी की बात यहाँ कम करते हैं। ओहो, अच्छा। विपक्ष के लोग बक्कल उखेड़ देते हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, गृह मंत्री के लिए बदतमीजी कर सकते हैं। अच्छा, याद आया, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ। क्या हमारा कल्चर और भगवा नहीं सिखाता है? अच्छा अच्छा, याद आया, हम बोलते जरूर है लेकिन धर्म की रक्षा के लिए। हाँ। भगवा पर उंगली उठने के बाद जवाब देते हैं। अच्छा, धर्म की रक्षा, पहले ही बदतमीजी को उतराए। अच्छा, धर्म की रक्षा, और वो भी उन लोगों को दिया जाता है जिनको अकल ठिकाना करने के लिए जो कश्मीर पर बैठकर चर्चा करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान या इस तरीके की बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी उंगली उठने लगती है तो हम जरूर कभी कभार खड़े बोल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मर्यादा में रहते हैं। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए आप खड़े होते हैं। ओके, अब मुझे, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से, तो जरा वो वरुण गांधी का एक ट्वीट होगा, वो याद आ गया मुझे, मैं भी भूल गया था आज सियासी चर्चा में। एक वरुण गांधी का ट्वीट है, प्लीज प्ले करिएगा। ये ट्वीट देखिए, सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती ना करने के कारण पांव में छाले, 3 साल से दौड़ रहे हैं युवा, हताश हैं, बढ़ती उम्र के कारण अयोग्य हो रहे हैं, इन युवाओं को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने वाले इन युवाओं की आवाज राष्ट्रवादी सरकार तक पहुंचानी चाहिए। प्रमुख साहब, ये ट्वीट देखा आपने, ये आप ही के हैं ना वरुण गांधी जी? नहीं, आप कह रहे हैं आपने लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी है और ये तो ट्वीट करके कह रहे हैं वरुण गांधी। नहीं,
तीन साल हो गए, बताइए युवा दौड़ रहे हैं, पांव में छाले हैं, आप कह रहे इतना विकास किया आपने। देखिए तिलक जी, हमारे व्यक्ति होकर, हमारी सरकार के सांसद होकर और हमारी सरकार के हिस्सा होकर आम जन की बात उठा रहे हैं, और कोविड काल में 3 वर्षों का जन्म इन्होंने जिक्र किया, 2.5 वर्ष खराब हो चुके हैं। क्यों और मैं इनको जो है फिर भी शाबाशी दूंगा आपके माध्यम से। अच्छा, आप हमारी पार्टी के सांसद, मैं पार्टी के पास मेरे बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर भी 3 साल का जिक्र किया और आज भी लोगों के वो हितेशी हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं, चिंता की नहीं। और चिंतन करना कोई शिकायत तो उसको सीखना चाहिए। तो दरवेश, हमारी पार्टी की मर्यादा है प्रमुख साहब, तो आप मुझे यही बता दीजिए, तकड़ा नियम होने के बाद भी पार्टी में तो कोई, आप ये कह रहे हैं कि 3 साल में 2 साल कोरोना में चले गए, की बात उठाई तो बिल्कुल चिंतन किया जाएगा। तीन साल में सरकार रिपीट होती है, कोविड काल जैसी घटना नहीं घटती है, घटना तो निश्चित जो है वरुण जी की बात को भी सुना जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि वो